सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेस द सब्सक्राइब बटन। महोबा में समाजवादियों ने दिया ज्ञापन। सीएए और एनआरसी बिल के विरोध में आज महोबा जिले में सपाइयों ने शांतिपूर्वक तरीके से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सपा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। बता दें महोबा जिले में आज सपा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर निगरानी रखी जा रही है ताकि जिले में कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। इसके अलावा कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन से मांग की है कि सीएए और एनआरसी बिल को विरोध मान हो। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर आज जो भाजपा पूरे देश को जला रही है, जलाने का काम कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छात्रों पर लाठियां चार्ज हो रहे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इसके विरोध में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है कि जो एनआरसी सीए बिल है, ये नागरिक संशोधन बिल, ये वापस लिया जाए और छात्रों पर अत्याचार बंद हो, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, किसानों पर अत्याचार बंद हो, इसकी मांग को लेकर समाजवादी पार्टी जिला महोबा ने आज धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आज आप लोगों का प्रदर्शन था तो क्या हुआ, पुलिस ने परमिशन दी या परमिशन? हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन की राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों और एनआरसी कैप के खिलाफ में हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसका एसडीएम साहब से परमिशन मांगी गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जबकि शांति पूर्वक था। उसके बाद हम लोग कैसे तैसे बच बचा के बड़ी मुश्किल में हमारे सभी समाजवादी जो जारू कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आपको परमिशन क्यों नहीं दिया, आखिर क्या वजह होगी? परमिशन धारा 44 का बताया, जबकि समाजवादी की सरकार रही है तो भाजपा की किसी भी धरना प्रदर्शन में कभी भी धारा 144 या इस टाइप की लागू विरोध विपक्ष या विरोध को कुचलने की कोशिश नहीं की गई है। ये सिर्फ भाजपा सरकार का विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को दबाने का काम है। आगे भी आपका कोई प्रदर्शन होगा? जो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से आह्वान आएगा उसके लिए हम पूरे जिले के समाजवादी कार्यकर्ता तन मन जो भी हर तरह से बलिदान देने के लिए तैयार है, आम पब्लिक के लिए, जो आज आम पब्लिक परेशान है उसके लिए, उसके संघर्षों के लिए पूरी तरह से संघर्ष करें। बिल्कुल हमारा शांतिपूर्वक रहा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर पूरी रात हम लोगों की पुलिस घूमती रही लेकिन हम लोग कहीं पर छुपकर हम लोगों ने ये आज जो ज्ञापन देने का काम किया, वरना बहुत से लोग तो हमारे रात के हमारे साथी रात में ही अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन हम लोग रास्ते की छोटी छोटी रास्ताओं से छोटी छोटी कुलियों से निकल कर उन्होंने तहसील में ये धरना प्रदर्शन किया, तहसील में ज्ञापन देने का काम किया। गिरफ्तार किए हमारे लगभग